सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एकता। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइस, मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना नया व्लॉग, और वो भी भुवनेश्वर से। जी हाँ, मैं उड़ीसा में आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। शिफ्ट इन द सेंस कि प्रोफेसर यहाँ आ गए थे IIT में रहने के लिए, तो मुझे भी आना पड़ा और आसे का, क्योंकि उनको थोड़ी सी हेल्थ इशूज भी हो रही थी उनके, मतलब कि फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ें हो जा रही थी, वो हॉस्टल का खा रहे थे। तो इसी के बारे में मैं अपने हर ब्लॉग में बोलती थी कि मुझे कहीं शिफ्ट करना है, कहीं शिफ्ट करना है, तो यहीं की प्लानिंग हो रही थी। पर इस तरीके से अचानक से आना पड़ेगा। एक्चुअली तो मैं 18 को आना ही था, बट क्या हुआ कि अचानक से प्रोफेसर की फिर से तबीयत ख़राब हो गई और वो एडमिट हुए, और वो 4 से 5 दिन तक एडमिट थे। और देन उसके बाद भैया उनको यहाँ आए लेने के लिए, लेके वापस बनारस गए। वो एक हफ्ते बनारस में थे, फिर उसके बाद हम लोग टोटल 1 वीक हम लोग कानपुर में रहे, उसके बाद वो हमारे साथ ही यहाँ पर आए, तो हमने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है। तो आज मैं अपना छोटा सा जो यहाँ पर हमने अपना आशियाना बसाया, उसको मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू दिखाना चाहती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर है आसिका की फिरकी, जो कि इनको यहाँ के एक सर ने गिफ्ट किया है, आसिका के अंकल ने। तो ये बालकनी एरिया है हमारे बेडरूम का, तो मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट करती हूँ और डिटेल्स में आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं यहाँ से एंटर कर रही हूँ और मैं आप लोगों को पूरा लुक देती हूँ कमरे का। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने मंदिर के दर्शन आप लोगों को करवा देती हूँ, अपने भगवान जी के दर्शन करवा देती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी पापा की तस्वीर लगी हुई है और साथ में ये दिया चल रहा है। मम्मी की हम अलग से फ्रेम वाली फोटोज लाएंगे, फिर रखेंगे भगवान जी के पास। तो ये है प्यारा सा क्यूट सा मंदिर, जो कि मैंने ऑनलाइन लिया है, और इसके डिजाइन, इसका कलर, सब कुछ इतना ज़्यादा मुझे पसंद आया ना कि मैं क्या ही बताऊँ। इसको मैंने ऑनलाइन बाय किया है, आप लोगों को इसकी डिटेल्स चाहिए तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। शिफ्टिंग में बहुत सारी चीज़ें मैंने नई नई बाय की हैं, तो मैं सारी चीज़ें जो भी हैं इसमें से, अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आता है, आप अपने रूम के लिए लेना चाहते हो, अपने घर के लिए लेना चाहते हो, तो आप लोग कॉमेंट्स कीजिएगा, उस प्रोडक्ट के बारे में पूछिएगा। मैं वहाँ कॉमेंट में आप लोगों को उसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगी, और मैं अब कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ से डेली ब्लॉग करूँ, तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं डेली यहाँ का जो भी रूटीन है वो दिखाऊंगी। मैंने स्टार्टिंग से ही वीडियोज़ नहीं बनाए, जिस बिकॉज कि आप जानते हो शिफ्टिंग में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये है प्रोफेसर का स्टडी टेबल, यहाँ पर वो अपनी पढ़ाई करते हैं रात में। ये लैंप भी हमने ऑनलाइन बाय किया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मेडिसिंस रखी हुई हैं। तो गाइज, ये है हमारा बेड, जो कि यहाँ हॉस्टल से ही हमें मिला हुआ है, मतलब कॉलेज की तरफ से भी हमें बेड मिला हुआ है। वहाँ पे हमने देख रहा हूँ ब्लैंकेट मैं फोल्ड करके रखी हूँ, वहाँ पे मेरा एक ट्रॉली रखा हुआ है। ये कर्टन भी मैंने ऑनलाइन लिया है, और मैंने ये हैंगर लगवा दिया है, जो भी हम लोग एक घंटे के लिए जैसे कोई जैकेट या स्वेटर डालते हैं तो उसको यहाँ शिफ्ट करने के लिए। कबर्ड इस तरीके से है, जिसको मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है, ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज कर दी है कुछ चीज़ें। और फिर यहाँ पर हमने एक बेड लगाया है यहाँ पर, एक्चुअली इस पर हम बैठ के अपना चाय पीते हैं और लंच करते हैं, डिनर करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डाइनिंग टेबल नहीं है और लेने का कोई प्लान भी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि हम 3 इयर्स के लिए यहाँ पर हैं, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे खरीदना अच्छा नहीं लगता। फिर ये है मेरा वॉशरूम बेडरूम का, बट ये वॉशरूम कम है, मेरा ड्रेसिंग एरिया है, क्योंकि हर कमरे में इन्होंने इस तरीके का कैबिनेट दे रखा है पार्टीशन के साथ किचन का। अगर कोई 2 रूम लेता है तो सेम रूम वो लोग देते हैं, अगर नहीं कोई लेता है तो वो बच्चों को शिफ्ट करते हैं, दो दो लोगों को। तो मैंने यहाँ पर पूजा का बना लिया है, ये मंदिर है पूजा का, यहाँ पे जैसे गंगा जल हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद रखा हुआ है, यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ी सी कैंडीज वगैरह रखी जो हम रात में खाते हैं, थोड़ा सा ये सामान है जो मैंने अभी शिफ्ट नहीं किया है। तो पूजा का बर्तन भी मैं यहीं पर धुल लेती हूँ, मैंने सोचा है कि यहाँ पे एक इंडक्शन भी मैं लगाऊंगी, कि पूजा का जो भी व्रत का रहेगा वो इधर ही किचन में रहेगा, क्योंकि उधर हम अगर कभी एग वगैरह बना रहे हैं तो कोई दिक्कत ना हो। ये भी कैबिनेट है, इसको भी वह सेटअप करना बाकी है, और मैंने यहाँ पर पूजा कर ली है। उसके बाद मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ अपना, जैसा कि मैंने बोला वॉशरूम कम और ये हमारा ड्रेसिंग एरिया ज़्यादा है। तो ये है मेरा, यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट ये रहा मिरर, और वॉशरूम काफ़ी स्पेसिफिक है, काफ़ी बड़ा है आप देख सकते हैं, और मैंने इसको क्लीन वगैरह कर लिया है, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, और
ये रहा मेरा ड्रेसिंग का। मैंने कुछ प्रोडक्ट जो कि डेली मुझे स्किन केयर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दी है। अभी मुझे एक दो कैबिनेट यहाँ लगाने हैं, जब भी मैं इसको और अच्छे से सेटअप करूंगी ना तो कभी उसका टोर अलग से दूंगी। ये रहा हमारा प्यारा सा मिरर जिसमें से आप मुझे देख रहे हो। और वॉश बेसिन इन्होंने काफी बड़ा काफी स्पेसिफिक दे दिया है, इसको भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगी। मैंने यहाँ पर टॉवल रख दिया है, यहाँ पर सिर्फ स्किन केयर और मेकअप मैं अपना करती हूँ, प्रोफेसर अपना करते हैं। और उसके बाद आप चलते हैं हम अपने सेकेंड रूम की तरफ। और रूम भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। जब हम स्टार्टिंग में मैं वहाँ से बात करती थी तो मुझे लगता था यार रूम छोटा सा होगा, कैसे एडजस्ट करेंगे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो ये रहा, और इन्होंने लाइट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी दी है, दो तीन तीन रॉड दिए हैं, ये लैम्प दिया है, और इसमें दो फैन हमें कॉलेज की तरफ से ही मिला हुआ है। हाँ बुला लो आस्विका, अपनी फ्रेंड से बात करी, उनके भी नई नई फ्रेंडशिप हुई है। सो गाइज आते हैं हम दूसरे रूम की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से इंट्रेंस दिखाती हूँ, मैं जहाँ खड़ी हूँ यहाँ से मेन डोर है, और जस्ट इसके बाद कैबिनेट है आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना छोटा सा किचन सेटअप किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बर्तन स्टैंड जो है ये हम घर से ही लेके आए थे न्यू। तो ये एक बहुत ही पतले से फोल्डर में था, इसको फिर हमने बहुत, मैंने और प्रोफेसर ने बैठ के बहुत टाइम में हमने इसको फिट किया, अपना दिमाग लगाया। और उसके बाद हमने ये कैबिनेट लिया है जिसमें मैं अभी थोड़े भर ये सारे डिब्बे लगाई हुई हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आनी हैं, जैसे जैसे आती रहेंगी मैं उनका हॉल करती रहूँगी। और इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि अभी हमारे किचन के लिए ज़रूरी थी वो मैंने ऐसे ही भर दिए हैं, क्योंकि जगह नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अनमैनेजेबल सा लग रहा है, बट आप देख सकते हो ये कैबिनेट जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये ट्रॉली बेस पे है, आप देख सकते हो इस तरीके की इसमें ट्रॉली है, इसको कहीं भी आप ले जा सकते हो, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। अगर इसको, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपको अपने ड्रेसिंग के बगल में भी इस तरीके का कैबिनेट रखोगे ना तो अच्छा होगा। इसको भी मैंने ऑनलाइन बाय किया है, और इसका भी लिंक अगर आपको डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो मैं दे दूंगी। और ये कर्टन देख रहे हो ना, इसमें मैंने अपने अनियन और पोटैटो रखे हुए हैं, कोई बात नहीं अभी ले आएंगे। और इसमें इसलिए रखे हैं क्योंकि अभी मैंने बास्केट ऑनलाइन मतलब बुक किया है, वो भी आने में टाइम है। देन हमारा ये छोटा सा गैस चूल्हा जो कि इसको भी मैंने ऑनलाइन ही बाय किया है, और ये आप देख सकते हैं मैंने आस्विका के दूध बॉईल कर दिया है। इसमें मैंने चावल बनाया क्योंकि अभी वो कुकर में चावल नहीं खा रहे हैं प्रोफेसर, उनको डॉक्टर ने बोला है कि आप ऐसे बाहर से चावल बॉईल करके खाओ। एक्चुअली सबको उन्होंने सजेस्ट किया है, मुझे भी, मैंने अभी चावल बनाना कुकर में बंद कर दिया है, और मोस्टली मैं सारी चीज़ें बंद कर दिया है, मैं अब सिर्फ बॉयलिंग वाला काम करती हूँ कुकर में, बॉयलिंग इन द सेंस जैसे पोटैटो वगैरह हुआ, अदरवाइज मैं सब चीज़ें ओपन ही अब बनाती हूँ। तो ये रहा हमारा गैस चूल्हा जो कि मैंने इसे भी ऑनलाइन मंगाया है। और ये छोटा सा हमारा किचन एरिया और ये डोरमैट दिन, और हमने ये फ्रिज भी ली है, ये भी हमने ऑनलाइन बाय की है। आप रूम देख सकते हो, तो मैं फिर से एक बार किचन में खड़ी होती हूँ और ये आपको दिखाती हूँ पूरा लुक किचन का, मतलब इस रूम का। फ्रिज का जो कवर है हमने वहाँ पे रख दिया है, उसमें हम जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास पॉली बैग होते हैं ये सब उसमें डाल देते हैं, क्योंकि हमें हो सकता है कि कभी शिफ्ट करना पड़े, क्योंकि कॉलेज में भरोसा नहीं होता कब वो रूम चेंज करवाने लगे, कब बिल्डिंग चेंज करवा दे, तो इसलिए हमने उसका कवर रखा है कि कभी हमें ज़रूरत हो शिफ्ट करने के लिए तो हम उस फ्रिज के कवर को यूज़ कर सके। ठीक है, अभी हमें सू रैक भी मंगाना है, तो आपको सारे सूज जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी वो बाहर ही लगे दिख रहे होंगे। यहाँ पर मेरा स्टैंड है जो कि मैंने ऑनलाइन लिया है, यहाँ पे भी एक ट्रॉली है जो कि खाली पड़ी है, उसको मुझे वहाँ कवर्ड में शिफ्ट करानी है। ठीक है, तो ये रहा मेरे पूरे कमरे का लुक। और यहाँ पर मैंने थोड़े से आलू यहाँ पर रखे हुए हैं पेपर में लगा के। सो अब मैं चलती हूँ अपने बाथरूम की तरफ, आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा वॉशरूम जो कि हम इसको यूज़ करते हैं नहाने के लिए, और वॉशरूम यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी बहुत ही प्यारा सा इन्होंने मिरर दे रखा है, वॉश बेसिन दे रखी है, आप देख ही सकते हो। ये जो बाल्टी आप देख रहे हो ना छोटी सी लटक रही है, इसको मैंने इसलिए लगाया है जस्ट बिकॉज कि ये जो अभी मेरा पोछा है ना मॉप है वो अभी आया नहीं है, तो मैं इसी से मॉपिंग करती हूँ बैठ के। और थोड़ा सा मेरा अभी इस वक्त ना थोड़ी सी अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा बैठ के पोछा लगा रही हूँ, तो मैंने उसके लिए ये बाल्टी लाई है, मैं इसी से लगाती हूँ। और अभी अभी जस्ट मैं नहाई हूँ तो कपड़े भी आप लोगों को दिख रहे होंगे।
तो बस इतना सा ही है। सो गाइस, ये है मेरा छोटू सा घर, जो कि आप देख सकते हो, घर ही बोलूंगी क्योंकि अब हम यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे हम अपना सब कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो इसको घर ही बोलेंगे, जो भी जितने भी टाइम के लिए है, अब हमारा यही घर है। और मैं आपको बता दूं कि अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं, क्या करती हूं, कैसे करती हूं, यहाँ पे मेरा दिनचर्या कैसा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, भी बहुत कुछ शेयर करने के लिए मिलेंगी आप लोगों के साथ। तो आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो में, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा, ताकि व्लॉग आप लोग देखते हो तो प्लीज लाइक किया करो, व्लॉग को शेयर कर दिया करो वीडियोज को, ताकि और भी लोग कनेक्ट हों, लोगों को पता चले हमारे वीडियोस के बारे में, हमारे चैनल के बारे में। तो चलिए, और भी जो भी चीज़ें चाहिए ना, मैंने बोला है ना कि सबके लिंक मिल जाएंगे आपको, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है सब कुछ। मैंने कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं लिया, क्योंकि मैटर नहीं बन रहा था, मैटर नहीं करता था कि कुछ भी आप बहुत कॉस्टली लो, लेकिन जो जरूरी है वो तो करना ही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं दिखाती रहूंगी आप लोगों के साथ, शेयर करती रहूंगी शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू, मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रोडक्ट जो है वो भी बाकी डिटेल्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं इतनी खुश हूं ना कि मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। तो बस यही है, और मैं एक चीज़ बोलना चाहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करके, मेरा पहला व्लॉग यहाँ से बन रहा है, तो अंदर से वो खुशी है ना, इसके लिए मेरी थोड़ी सी सांस भी फूल रही है और मैं कंटिन्यू बोले जा रही हूँ। सो दो बालकनी मैंने दिखाया नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक्चुअली बहुत अच्छा है, एक्चुअली ये छोटू सा पार्टीशन दिया है ना, तो उसके बाद ये यहाँ पे एक विंडो छोटा सा दिया है, इस विंडो को आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो यहाँ से, और जब हवा चलती है ना, बहुत ही अच्छी हवा आती है। यहाँ पे कर्टन देख लो, ये डोर है बालकनी में जाने के लिए, इधर से आप जा सकते हो। ये है हमारा बालकनी एरिया, इसमें मैंने अपने कपड़े यहाँ सूखने के लिए डाले, ये मेरा डस्टबिन यहाँ पे, और लोकेशन बाहर के व्यूज़ का दिखाएं तो ये कुछ इस तरीके का व्यू है, आप देख सकते हैं बाहर की तरफ का माउंटेन आपको दिख रहा होगा उस तरफ, और ये है, बहुत ही प्यारा व्यू रहता है सुबह सुबह, तो और भी अच्छा लगता है देखने में। और पूरे दिन हवा चल रही होती है, मुझे यहाँ का मानसून अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी गर्मी में पता नहीं क्या हाल होगी यहाँ पे, लेकिन अभी का मानसून यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा है। सो गाइज, ये रहा मेरा छोटा सा व्लॉग, जो कि होम टूर व्लॉग था, तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आप कुछ इसमें से कुछ इधर उधर चेंज करवाना चाहते हो तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हो, मैं इधर उधर शिफ्ट कर सकती हूँ। उस कमरे के लिए हमें टेबल और बेड नहीं मिला है, और वो भी मिलेगा कॉलेज की तरफ से, क्योंकि मैं जिस दिन आई ना उसी दिन मैंने दूसरा कमरा ये लिया, ये वाला बेडरूम, तो उसमें बेड ये लगा था, तो मैंने पहले बेडरूम को बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि बिस्तर होता है यार, तो बाकी चीज़ें तो होती रहती है, बिस्तर होना चाहिए ताकि थको तो आप लेट जाओ। तो ठीक है, चलिए बाकी जो चेंजेस होंगे वो तो आप लोगों को ब्लॉग के थ्रू पता ही चलेगा। तो ऐसे ही वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।